प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। अक्सर जिसे हम देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम वही देखते हैं कि जिन शिष्यों ने यीशु को पुनरुत्थान के बाद देखा था, उन्होंने उन पर विश्वास किया और पुनर्जीवित यीशु की सच्चाई को दूसरों को भी बताया। लेकिन दूसरे शिष्यों ने उन पर विश्वास नहीं किया। बाद में स्वयं यीशु को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। उन्होंने शिष्यों की हठधर्मिता और अविश्वास की निंदा भी की। योहान 20:29 में यीशु थॉमस से कहते भी हैं, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब पुनर्जीवित प्रभु दर्शन दिए, लोगों ने उन्हें तुरंत नहीं पहचान पाया। लूकस 24:37 में हम देखते हैं कि जब पुनर्जीवित यीशु ब्यारी की कोठरी में दर्शन दिए, तो शिष्यों ने उन्हें प्रेत समझ लिया था। एमाउस यात्रा में निकले दो शिष्यों ने भी उन्हें शुरू में नहीं पहचाना था। योहान 20:15 में हम देखते हैं कि मरियम मगदलेना ने भी उन्हें माली समझा था। इस तरह से यह स्पष्ट है कि पुनर्जीवित यीशु को देखने पर भी लोगों ने आसानी से पहचान नहीं पाया था। इसका अर्थ यह है कि जिस दृष्टि पर हम विश्वास करते हैं, वह पुनर्जीवित यीशु में विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति को समझ पाना हमारे मानवीय आँखों की बस की बात नहीं है। ईश्वर को आँखों और मन से समझा नहीं जा सकता। पुनर्जीवित यीशु को देखने के लिए हृदय और आत्मा की आँखों की जरूरत है। पुनर्जीवित प्रभु सदा हमारे जीवन में प्रस्तुत हैं और अपनी शांति और प्रेम से हमें आशीषित करते रहते हैं। लेकिन कई बार हम उसे देख नहीं पाते, उन्हें पहचान नहीं पाते। प्रभु की उपस्थिति और उनकी आशीष को देखने के लिए आइए हम अपने हृदय और आत्मा की आँखों को खोलें। आमीन।